विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्र पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। दंत स्वास्थ्य विज्ञानी के 288 पदों पर भर्ती के लिए मांगे हैं आवेदन। यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था। लिखा हुआ है कि 30 जून से आवेदन शुरू होंगे, 20 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर लिखा है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में दंत स्वास्थ्य विज्ञानी डेंटल हाइजीनिस्ट के 288 पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शनिवार को इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया। इसमें 264 पदों पर सामान्य चयन व 24 पदों पर विशेष चयन के जरिए भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी 30 जून से ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा कर सकते हैं। तो इसमें भी जिन विद्यार्थियों ने पीटी 2022 की परीक्षा दी होगी वे विद्यार्थी इसमें भाग ले पाएंगे। कट ऑफ वगैरह के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। अभी सभी विद्यार्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। अगली सूचना एजीटीए भर्ती को लेकर की है। ये भर्ती भी यूपी ट्रिपल एससी से आनी है। इसके बारे में भी मैंने पहले ही वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले कि प्रतियोगी छात्रों की फिर से वार्ता हुई है, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों ने कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में धरना प्रदर्शन किया था। जानकारी लोक सेवा आयोग की तरफ से यह दी गई थी कि 10 दिन के अंदर अंदर हम डाटा भेज देंगे और उसी के बारे में यह है लिखा कि कृषि प्राविधिक सहायक के 3466 पदों पर प्रस्तावित भर्ती का रास्ता इसी हफ्ते खुल जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में शामिल होने के बाद ओवर एज हो चुके 906 अभ्यर्थियों का डाटा तैयार किया जा चुका है और इस हफ्ते यह डाटा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। कृषि प्राविधिक सहायक के 3466 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार हो चुका है लेकिन 906 अभ्यर्थियों का डाटा प्राप्त न होने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा। दरअसल कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 में त्रिस्तरीय आरक्षण का विवाद कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट ने भर्ती निरस्त कर दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए भर्ती को हरी झंडी दे दी थी। साथ ही भर्ती में शामिल 906 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया था। ये अभ्यर्थी 2013 की भर्ती के बाद ओवर एज हो गए थे, सो उन्होंने आयु सीमा में छूट देने या अगली भर्ती में शामिल किए जाने की मांग की थी। नीचे लिखा है कि आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने बताया कि अभ्यर्थियों का डाटा तैयार कर लिया गया है और इसका अंतिम परीक्षण हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर 20 तारीख से धरना देंगे तदर्थ शिक्षक। 1 साल से वेतन का इंतजार कर रहे माध्यमिक विद्यालयों में तैनात तदर्थ शिक्षक 20 जून से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पार्क रोड लखनऊ में डेरा डालेंगे। वे तब तक यहां शांतिपूर्ण धरना देंगे जब तक उनका वेतन जारी नहीं हो जाता है। तदर्थ माध्यमिक शिक्षक संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक राजमणि सिंह ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मौलिक पदों के सापेक्ष खाली पदों पर नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का वेतन लगभग 1 साल से रोक दिया गया है। तो वही संजय सिंह का मामला है जिसमें ये कहा गया था 2000 बाद के जितने भी तदर्थ शिक्षक उनकी तैनाती रद्द की जाए और उसी के बारे में यहाँ पर लिखा कि 2000 के बाद के जो तदर्थ शिक्षक उनको वेतन दिया जा रहा है और कुछ शिक्षक हैं जो भटक रहे हैं और इन्हीं तदर्थ शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्यार्थी पदों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हालांकि पिछली भर्ती में तदर्थ शिक्षकों को मौका दिया गया था, उनको भारांक दिया गया लेकिन बहुत कम तदर्थ शिक्षक नियुक्त हो पाए थे। प्रदेश में हजारों पदों पर तदर्थ शिक्षक तैनात। अगली जो सूचना है वो बीपीएससी की एक नई भर्ती की है। लिखा है आंसू लिपिक एवं अनुदेशक के रिक्त पदों पर भर्ती 232 पद। अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु अलग अलग वर्ग को छूट दी गई है। यहाँ पर योग्यता है उम्मीदवार ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट और ITI उत्तीर्ण किया हो एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं रखता हो। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लें। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट की गई है कि अगर 40,000 से अधिक आवेदन पत्र आएंगे तो आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा विभिन्न चरणों में आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। आवेदन की जो तारीख है वो 1 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर नीचे वेबसाइट भी है bssc.bihar.gov.in। अगली सूचना DLED की है। समाचार पत्रों में तो ये सूचना नहीं है लेकिन ये नोटिस है जो जारी हुई है PNP की तरफ से, जिसे आप लोग देख सकते हैं। DLED BTC प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2023 ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण किए जाने हेतु समय सीमा में वृद्धि की गई है और यहां पर नई तारीखों का ऐलान किया गया है। लिखा है अब 19 जून 2023 के पूर्वाह्न से दिनांक 21 जून 2023 के शाम को 5 बजे तक संबंधित डाइट द्वारा पूरित आवेदन पत्र स्वीकृत किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये मौका दिया गया सभी डाइट को। अगली सूचना है UPSSC ASO की और इन विद्यार्थियों का परिणाम भी आना है और इन विद्यार्थियों ने जानकारी मांगी थी अर्हता को लेकर के RTI के द्वारा IGRS। ये देखिए लिखा है
और नीचे यहाँ पर लिखा है कि ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त IGRS का संख्या लिखा है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखा छात्र का आयु की विज्ञापन संख्या 7/2019 ASO के संबंध में प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आज्ञा के क्रम में अवगत कराना है कि प्रश्नगत विज्ञापन में प्रकाशित अर्थ के सापेक्ष सेवा नियमावली के अनुसार चयन की कार्रवाई की जाएगी, तदनुसार प्रकरण निक्षेपित और विलोपित करने का कष्ट करें। तो विद्यार्थियों ने पता करने की कोशिश की थी कि ASO में किन विद्यार्थियों को लिया जा रहा है, किन विद्यार्थियों को नहीं लिया जा रहा है, ओ लेवल PGDCA अथवा समकक्ष का मामला है। इसके बारे में जानकारी ये मिली है कि लोक सेवा आयोग से इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की गई है UPSSC के द्वारा, चूंकि ये भर्ती पहले लोक सेवा आयोग से हुआ करती थी, एक कमेटी बनाई गई, लेकिन निश्चित तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ASO के विद्यार्थियों को अपने अंतिम परिणाम के लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी एक संक्षिप्त विज्ञप्ति जारी की है साक्षात्कार कार्यक्रम को लेकर के। उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी पद का नाम है प्रोफेसर इल्बुल सहदेला, 7 जुलाई 2023 को इन छात्रों का इंटरव्यू होगा। नीट में बदलाव है, यहाँ पर लिखा कि नीट में अगर दो छात्रों के नंबर समान है तो जिस विद्यार्थी के फिजिक्स में ज्यादा अच्छे नंबर है तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने नीट UG में समान अंक आने पर जीव विज्ञान की बजाय भौतिक विज्ञान के अंकों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है। अभी ऐसे मामले में जीव विज्ञान के अंकों को प्राथमिकता दी जाती थी, उसके बाद रसायन विज्ञान और भौतिकी के अंकों को तरजीह मिलती थी। स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम 2023 के अनुसार अगर सभी विषयों में अंक समान हुए तो कंप्यूटर से ड्रा निकाल करके मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। लॉटरी में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा। नए नियम 2 जून को अधिसूचित किए गए और इनके अगले साल से लागू किए जाने की उम्मीद है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और NMC विचार विमर्श करेंगे। नीट में कई छात्रों के समान अंक हुए तो भौतिक विज्ञान के अंक को प्राथमिकता मिलेगी, और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए भौतिक विज्ञान में भी समान अंक हैं तो उसके बाद रसायन विज्ञान के अंक और फिर जीव विज्ञान के अंक जिसके ज्यादा होंगे उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अगली सूचना लेखपाल भर्ती की है। लेखपाल भर्ती की DB हो नहीं रही है, DB के संबंध में नोटिस भी जारी नहीं हुई है और 2021 की भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसको लेकर के विद्यार्थी तो मांग कर ही रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती कंप्लीट हो, साथ ही लेखपाल संघ ने भी ये मांग उठाई है। आप लोग देख सकते हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा को पूर्ण किए जाने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है और बाराबंकी का मामला है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर तहसील सिरौली गोसपुर में लेखपाल संघ द्वारा अंतरमंडलीय स्थानांतरण की प्रक्रिया को लागू किए जाने, लेखपाल भर्ती परीक्षा को पूर्ण किए जाने के संबंध में मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन तहसील समाधान दिवस अधिकारी के माध्यम से दिया गया। इस मौके पर लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष आशुतोष वर्मा और बहुत सारे यहाँ पर लेखपालों के नाम लिखे हुए हैं। ये वो ज्ञापन जिसे आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।